हेलो स्टूडेंट मैं राजकुमार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार पी बी स्टडी में साथियों जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हम सी और यूपीटेट की क्लास देख रहे हैं आज आपका चौथा दिन है आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख ये तो आप लोग जानते होंगे गिने हैं ना तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा परिचय करवा दूं जैसे अगर ये नंबर लिखा है ये देखिए इधर ध्यान से तो हम लोग क्या गिनते हैं इसको ऐसे तो पढ़ते हैं ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार, दफ, हजार दफ, करौन, दस हज़ार लाख फिर यहाँ कोई होगा दस लाख करोड़ दस करोड़ ऐसे पढ़ते हैं ना इसे इंडियन नंबर सिस्टम कहा जाता है अगर इसे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो इकाई दहाई नहीं पढ़ेंगे वहाँ क्या पढ़ते हैं पता है वन टेंस हंड्रेड फिर थाउजेंड फिर टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड फिर उसके बाद होता है क्या मिलियन मतलब समझ रहे हो ना फिर वहाँ पे जो काउंट किया जाता है देखो हिंदी इंग्लिश उसकी जो भी करोगे वो सब अलग प्रकार के होगी वैसे हिंदी में तो उसको काउंट करते नहीं इंटरनेशनल में लेकिन हमें सिर्फ इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बात करना है यहाँ पे तो इकाई अंक अगर मैं पूछूँ इसमें क्या है तो आप कहोगे ये लास्ट वाली जो गिनती वो इकाई अंक है सिंपल सी बात है अगर मैंने लिखा सोलह अगर मैं बोलूँ इसमें इकाई अंक क्या है तो आप कहोगे छः ये क्या होता है इकाई अंक लेकिन कभी कभी नंबर बड़े उलझे हुए दिए होते हैं उनमें देख के पता ही नहीं चलता है कि ये छे है एक पांच है आठ है कैसे मतलब क्या रहेगा वो कंप्लीट दिया ही नहीं होता उसको आगे कुछ कंप्लीट करके तब बताना होता है देखिए इकाई अंक में दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे एक तो संख्याओं के जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित और दूसरा घातंकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे एग्जाम्पल एक ये ले लीजिए इसको दोनों को जोड़ना है प्लस का साइन लगा है और कह रहा है कि इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए तो भैया सिंपल सी बात है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अगर जोड़ना है तो हम दोनों संख्याओं का सिर्फ इकाई अंक को ही जोड़ते हैं बस बाकी हमें पूरी संख्या जोड़ने से कोई मतलब नहीं है तो दो में एक जोड़ोगे तो तीन होगा इसका इकाई अंक क्या हो गया तीन हो गया क्या हो गया तीन हो गया यहाँ पर एक सवाल और भी बन सकता है आप उसे ध्यान से देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक सवाल और क्या बन सकता है जैसे सोचिए अगर इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाए और मैं ये मिटा देता हूँ ये लो ये मैंने मिटा दिया इसमें से मैं इसको दो को भी मिटा दूँ अगर अब इसमें से आपसे इकाई अंक पूछा जाएगा तो क्या होगा आपको पता है भैया हो आप ले लोगे लास्ट का इसमें का इसमें का दोनों जोड़ोगे तो आठ आठ सोलह अब इकाई अंक सोलह थोड़ी होगा इकाई अंक में ओनली वन डिजिट तक सीमित होता है दो डिजिट नहीं होता इसमें इकाई दाई दोनों है तो इसका इकाई अंक छः होगा समझ गए ना यानी जब हम इकाई अंक को जोड़ेंगे अगर वो दो गिनती में आ रहा है मतलब दो अंक में आ रहा है इकाई दहाई तो फिर उसमें से आप लास्ट वाला डिजिट लोगे ये बात समझ में आई ना ये तरीका होता है ये आपका था जब जोड़ना घटाने के रूप में रहे तब अगर उसी तरह से इसमें माइनस भी लगा है तब भी आप ऐसे ही करोगे यहाँ पे अगर माइनस लगा है तो इकाई अंक ज़ीरो होगा क्योंकि आठ से आठ घटाओगे जीरो आएगा ठीक और अगर मान लो कि यहाँ से हमने क्या किया थोड़ा चेंजिंग कर दिया देखिए हमारा ये मतलब है कि आपको अच्छे समझ में आ जाए यहाँ पे नौ कर दिया और यहाँ पे ये आठ कर दिया अब आप मुझे कमेंट करके बताओ इकाई ये अंक क्या होगा जल्दी सभी बच्चे बताएंगे जितने जुड़े हैं देखिए बहुत से छात्र जुड़े हैं संध्या पूजा और कौन है अमित अनंत ध्रुव विनीता सुधांशु सर आपको रिप्लाई कर रहे होंगे देखिए पीले कलर में आ रहा होगा नीचे रिप्लाई मैं कमेंट पढ़ता हूँ बहुत टाइम लगता है यार तो इसलिए निवेदन है आपसे मैं कमेंट नहीं पढ़ सकता किसी का ठीक है चलिए घातक संख्याओं में क्या करते हैं इनको भी हम लोग हल करते हैं सिम्पलीफाई करते हैं लास्ट में जो कुछ परिणाम आता है उसी के आधार पर बताते हैं तो टू की पावर फोर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत आसान है ये इसका यही मतलब होता है ना दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह सोलह का इकाई अंक क्या है छः है ना यानी इसमें जो है इकाई अंक अगर आपसे पूछेगा तो छः होगा ये बात समझ में आई ये थे आपके सिंपल वाले सवाल अब चलो आगे देखते हैं क्या कैसे होगा अभी क्लास को पूरा देखना बहुत से छात्र क्या हैं जो YouTube पे वीडियो आता है पूरा नहीं देखते भाग जाते हैं तो भैया अगर पढ़ना लिखना है तो पूरा देखा करो यार नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा देखिए कुछ और भी सवाल आप लोग देखिए ये तो ठीक है फ़िलहाल नॉर्मल सा आप लोग कर लेंगे अगर इसमें इकाई अज्ञात करना है तो हमें पूरा नहीं जोड़ना सबको कोई मतलब नहीं है हम दोनों संख्याओं का लास्ट लास्ट का डिजिट जोड़ देंगे इकाई इकाई अंक जोड़ देंगे तो सेवन और फोर अगर आप एड करोगे भाई साहब तो इलेवन होगा ना यार और इसका जो इकाई अंक है वही क्या होगा आंसर होगा ये हो गया आंसर ठीक है अगर आप इस क्लास को व्हाट्सएप पे मतलब लिंक वगैरह पाना चाहते हैं डेमो देख रहे हैं अगर तो फिर संपर्क करें ठीक है चलिए और अगर ऐप में हैं तो हर रोज़ ईमानदारी से पढ़िए नोट्स जरूर बनाइए तभी मज़ा आएगा नहीं तो कुछ होगा नहीं ये सवाल थोड़ा सा समझने लायक है अक्सर हमने देखा कि हम इकाई इकाई अंक को जोड़ घटा लेते हैं आप सबने कहा हाँ ठीक है लेकिन अगर इसमें हम आठ से नौ घटाएंगे, तो ये आएगा माइनस वन तो क्या इसका इकाई अंक माइनस वन थोड़ी होगा भाई इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होगा होगा नहीं ना तो फिर होगा क्या जरा आप सोचिए अगर इसको हम घटाते नीचे ऊपर लिख के तो पहले देखो ये घटेगा कि नहीं भाई ये अट्ठावन अड़तालीस है मतलब पाँच हज़ार आठ सौ अड़तालीस है ये चार हज़ार छः सौ उनतीस है तो सिंपल सी बात है ये बड़ा है वो छोटा है घटेगा तो अगर हम इसको ऐसे घटाते ऐसे आ, ये ऐसे तो हमें पता है इसमें से एक उधार जाता तो ये अठारह बनता ना अठारह से नौ जाता तो नौ यानी इकाई अंक हमारा क्या आएगा नौ आएगा यानी इसमें जो है इकाई अंक क्या है नौ है नौ ये राइट आंसर है अच्छा समझ में आई ना फिर इधर क्या आएगा इससे कोई मतलब नहीं है ये आप बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए और कोई डाउट नहीं होगा देखिए नीचे सर आपको सब कमेंट कर रहे हैं नीले कलर में मैं देख पा रहा हूँ अगर कोई दिक्कत होती तो हमसे पूछ लेते हैं ठीक है आप कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो निसंकोच आप कमेंट करिए और जो बच्चे ऐप में देख रहे हैं वो अपना डाउट व्हाट्सएप पर सेंड करें उनके लिए तो अलग से सुविधा दी गई है अगर आपसे इस संख्या में इकाई अंक पूछा जाए तो आप क्या करेंगे देखिए सिंपल सा है इसमें मैं आपको तरीका बता दूं आप इसे दो दो का जोड़ा बना लेंगे चाहे जितना बड़ा दिया रहेगा ठीक है, है थोड़ा आसान हो जाएगा आप इन दोनों का गुड़ा करो इन दोनों का करो ठीक है तो ये बारह इक्म बारह का दो हासिल एक बारह इक्कम बारह एक तेरह एक सौ बत्तीस होता है इसका हम गुड़ा करेंगे तो पच्चीस पचहत्तर होता है फिर जो आएगा उसमें कुछ निर्णय नहीं लेंगे आप फिर उसमें आप चुपचाप लास्ट डिजिट का गुड़ा करेंगे फिर से ये दो और पाँच का गुड़ा करिए मतलब फिर से इकाई अंक का गुड़ा करेंगे तो दस आएगा अब दस का इकाई अंक शून्य है इसलिए इसका आंसर क्या होगा जीरो आएगा हमें सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना था क्या ज्ञात करना था इकाई अंक ज्ञात करना है इसके अलावा इसमें और भी बहुत तरह से किए जाते हैं आप वैसे समझ रहे होंगे नहीं समझ में आया तो बताइए इतना हो गया ना इस तरह का आप कर लेंगे बहुत सिंपल सा है बस सिर्फ आपको समझ जाना है बस इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो स्क्रीन शार्ट ले लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक जरूर करें ये बिल्कुल नया तरह का सवाल है ध्यान दीजिए कह रहा है कि इसको हल करके आप इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए ठीक है अब ध्यान दीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं शेषफल कितना बचेगा पहले हम शेषफल निकालना सीखेंगे ठीक है आप इसे शेषफल पर भी समझ लीजिए इस तरह के सवाल में अगर हमें शेषफल निकालना है ऐसे आपके परीक्षा में मिल सकता है ये थर्टीन है इसकी पावर वन सेवन वन है और प्लस फाइव है कह रहा है को बारह से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा अगर हम तेरह को एक सौ इकहत्तर बार गुड़ा करें एक सौ इकहत्तर बार गुड़ा करने का मतलब जान रहे हो तेरह गुड़ा तेरह गुड़ा तेरह गुड़ा तेरह गुड़ा तेरह इसे इसे एक सौ इकहत्तर बार करें तो हम बुढ़ा जाएंगे ख़त्म नहीं होगा एक सौ इकहत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा फिर लाखों में हो जाएगा ना भाई अरे तेरह तेरह में एक सौ उनहत्तर तो दो ये बार में हो जाता है और अगर इसको एक सौ इकहत्तर बार करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा फिर दिमाग नहीं काम करेगा तो हम ये तरीका नहीं करेंगे हम क्या करेंगे हम द्विपद परमिय लगाएंगे बायनोमल थ्योरम लगाएंगे और इसके माध्यम से हल करेंगे अब द्विपद परमिय क्या है इसका शार्ट में मैंने फार्मूला आपके सामने लिख दिया आपको इसे याद कर लेना है याद करना बहुत आसान है देखो मैं तरीका बता रहा हूँ देखने में नहीं समझ में आएगा ये बड़ा कठिन लग रहा होगा ए प्लस एक्स की पावर यन है ना ये जैसे आप पढ़े हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सेम उसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा अलग है अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे ध्यान दीजिए हमें ये याद कर लेना है कि यन होगा सी होगा यानी पहले क्या है घात पे आगे यन होगा फिर सी होगा नीचे जीरो होगा फिर ए होगा और ए का पावर क्या होगा यन होगा ठीक है ये पहले में होगा याद रखना पहले में एक नहीं होगा इसके बाद क्या होगा आप ध्यान देना आगे इसमें यक्स की पावर जीरो होगा एक प्रकार से ऐसा समझ लो तो अगर किसी भी चर की पावर जो जीरो होती है उसका मान एक होता है तो वो खत्म हो जाता है तो इसमें यक्स की पावर क्या है जीरो है चाहे लिखो की पावर जीरो है ना लिखो प्लस दूसरे में क्या करोगे यहाँ पे तो यन था यहाँ पे यन हमेशा रहेगा ऊपर सी में फिर आगे देखो अभी क्या होगा जो यहाँ पे सी के नीचे जीरो था ना अगले पद में वन हो जाएगा फिर अगले में टू हो जाएगा अगले में थ्री हो जाएगा ऐसे नीचे बढ़ता जाएगा ये जीरो से लेके बढ़ता जाएगा यन तक और जो ए की पावर यन थी वो अगले से ही घटना शुरू हो जाएगी ये यह देखो यन माइनस वन और यहाँ से जो एक की पावर जीरो मैंने आपको बताया था वो बढ़ेगी यहाँ जीरो थी तो यहाँ वन हो गई फिर अगले में एक्स की पावर टू हो गई और ये एन माइनस थ्री टू हो गया ना फिर अगले में क्या होगा पता है ये यह ये नहीं रहेगा ये सी रहेगा ये दो की जगह तीन हो जाएगा और ये ए की पावर यन माइनस टू है ना भैया तो ये एन माइनस तीन हो जाएगा इसका मतलब ये बढ़ नहीं रहा घट रहा है एन माइनस टू था अगले में तीन हो गया और ये जो x का स्क्वायर था ना ये हमारा एक घात तीन हो जाएगा फिर अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो ये यन ऐसे ही रहेगा c और ये नीचे फोर हो जाएगा और a का पावर क्या होगा पता है आपको यन माइनस यहाँ पे देखो बच्चा थ्री है ना यहाँ पे टू था यहाँ पे वन था आगे और एक बढ़ जाएगा बढ़ नहीं मतलब इसमें से घट जाएगा तो यन का पावर फोर हो जाएगा और यक्स का पावर क्या होगा यक्स का पावर देखो यहाँ दो है यहाँ तीन है फिर अगला क्या होगा चार हो जाएगा ऐसे ये बढ़ता जाएगा आपको पता है कि अगर ये बढ़ता जाएगा तो ये यन तो है ये तो बढ़ नहीं रहा है ये बढ़ते बढ़ते यन हो जाएगा भाई यन मतलब अनंत तक हाँ और जो यन माइनस वन एन माइनस टू थ्री फोर ये देखो कम हो रहा धीरे धीरे लास्ट में ख़त्म हो जाएगा एक ऐसी स्थिति आएगी जब यन माइनस यन हो जाएगा और यन माइनस यन मतलब ए का पावर जीरो हो जाएगा और आप जानते हो किसी भी जो चर पद है उसकी पावर जीरो होती है उसका मान एक होता है चाहे ये हो चाहे यक्स की पावर ज़ीरो हो ये मान एक होता है तो मतलब ए जो है आगे चल के ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये यक्स की पावर बढ़ती जाएगी यन हो जाएगी फाइनल में अगर साइड में दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ आप देख लीजिए ध्यान से दिख रहा ना इधर साइड में लास्ट में देखो मैं बता देता हूँ क्या होगा ध्यान दीजिए इधर साइड में ये यन तो ऐसे ही रहेगा सी रहेगा यहाँ डांट डाट करने के बाद में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखूँगा नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज ना हो ये डॉट डाट डॉट रहेगा नीचे लास्ट में जब खत्म होने लगेगा तो यन सी और ए तो ख़त्म हो जाएगा भैया यक्स की पावर यन यही बचेगा ये लास्ट में है ठीक है ये कब है लास्ट में एकदम ये फार्मूला है इसमें मान रखना बहुत आसान है सिंपल सा है आप कहोगे इसका मान ये मैं कैसे रखेंगे देखो जो पाँच है ना उसको छोड़ दो अभी जो पाँच है उसको छोड़ दो आप तेरह का पावर जो एक है उसको हल करो बस अब देखिए हम क्या करेंगे पाँच को यहीं ऐसे छोड़ देंगे पाँच को अभी नहीं ले चलेंगे हम हल करने की कोशिश करेंगे थर्टीन की पावर जो एक सौ इकहत्तर है इसे हम लिख सकते हैं ट्वेल्व प्लस वन भाई तेरह को लिख सकते हैं ना इतना इसकी पावर एक सौ इकहत्तर लगा दीजिए और हम इसका फार्मूले में अब यूज करेंगे देखिए इसको हम ए मानेंगे इसको यक्स मानेंगे और एक सौ इकहत्तर को क्या मानेंगे यन मानेंगे आप चाहे तो इसको लिख लीजिए माना पहले इसको समझ लो फिर बाद में आगे अभी ट्रिक वाला बताऊंगा माना यहाँ पर a बराबर जो है 12 और यक्स है ना एक वाह एक बराबर वन क्या है यक्स बराबर वन और यन बराबर क्या है एक सौ इकहत्तर ये चीज़ आप समझ लिए नीचे सब में मान रखना है चलिए मान रख देते हैं मान रखने के बाद आप देखोगे इसका एक परिणाम आएगा वो जो आएगा मैं उसको ऊपर लिख के दिखा दूँ आपको या नीचे ही चलो लिख देता हूँ देखिए जब हम इसको रखेंगे इसमें मान तो इसको कुछ ऐसे सजा के रखेंगे यहाँ पे आप लिखो ट्वेल्व प्लस वन का पावर वन सेवेंटी वन इक्वल देखिए यन का एक सौ इकहत्तर है तो यन की जगह पे एक सौ इकहत्तर सी जीरो ए 12 बारह है तो ये बारह रहेगा यन का एक सौ इकहत्तर है तो यहाँ भी एक सौ इकहत्तर है ना यही तो होगा कुछ और होगा जल्दी क्लियर करो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम फिर समझ लो पहले ठीक है आगे बढ़ोगे क्या होगा ये मैंने इसमें मान रख लिया अब प्लस अगला एक सौ इकहत्तर सी वन ए।, ए का मान रख दीजिए ट्वेल्व क्यों ए का मान ट्वेल्व माना था ना नन का मान एक सौ इकहत्तर लेकिन आप यहाँ ध्यान देना आप अब यन का मान एक सौ इकहत्तर नहीं होगा क्यों क्योंकि यहाँ देखो ए का पावर यन है दूसरे में ए का पावर एन माइनस वन है तो भैया एन माइनस वन का मतलब एक सौ इकहत्तर से वन करोगे तो एक सौ सत्तर हो जाएगा और यक्स का पावर यहाँ पे वन हो जाएगा यहाँ पे देखो था ही नहीं तो मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे एक का पावर वन एक का पावर वन का मतलब वन की पावर वन ठीक है आगे देखो ये एक सौ इकहत्तर ऐसे ही रहेगा सी नीचे एक बढ़ता जाएगा जीरो एक दो अब यहाँ पर जो बारह है उसकी पावर कितना होगी आपको पता है यहाँ इकहत्तर था फिर यहाँ सत्तर हुआ फिर यहाँ एक सौ उनहत्तर होगा क्योंकि एक एक कम होता जाएगा और यक्स की पावर क्या होगी बढ़ती जाएगी दो है ना तो यहाँ पे दो हो जाएगा इसी तरह से आप इसको लिख डालो चाहे जितनी बार लिख डालो ये लो ये तीन हो जाएगा बारह का पावर एक सौ अड़सठ हो जाएगा और वन का पावर तीन हो जाएगा ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे लास्ट में क्या आएगा लास्ट में क्या आएगा बताओ अरे भाई सिंपल सी बात है लास्ट में अगर बढ़ते जाओगे आगे तो ये तो बढ़ेगा नहीं ये बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है ये लास्ट में जा करके एक सौ इकहत्तर हो जाएगा नीचे ऊपर दोनों एक सौ इकहत्तर हो जाएगा ना बोलो हो जाएगा कि नहीं कहीं जा करके यार नीचे बढ़ रहा है तीन हो रहा चार हो रहा पाँच हो रहा बढ़ता जा रहा ना नीचे क्लियर हो रहा ना आपको कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा देखो थोड़ा सा गंदा हुआ मैं इसको साफ़ कर देता हूँ बिल्कुल टेंशन मत लेना अगर ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा यहाँ पे देखिए सी है ये सी सी जो मैंने लिखा था हर जगह नीचे यहाँ पे देखो दो है तो यहाँ पे तीन होगा ये बारह है ट्वेल्व और ट्वेल्व का पावर वन सिक्सटी एट है इंटू वन है वन की पावर थ्री है ऐसे बढ़ता जाएगा आगे तो क्या होगा डाट डाट कर दो आगे जाने पर एक ऐसा स्थिति आएगा जब वन सेवेंटी वन ऐसे ही रहेगा सी रहेगा नीचे ये बढ़ के तीन के बाद चार होगा पाँच होगा छः होगा सात होगा आठ होगा बढ़ता बढ़ता लास्ट में वन सेवेंटी वन भी हो जाएगा और सी का पावर जो है भाई सी तो ऐसे ही रहेगा जो ट्वेल्व है इसकी घात देखो घट रही है घट रही ना यहाँ से अगर देखते चलो तो ट्वेल्व की एक सौ इकहत्तर थी सत्तर हुई फिर यहाँ उनहत्तर हुई अड़सठ हुई यहाँ पे क्या होगी सड़सठ होगी नहीं हाँ हाँ सड़सठ होगी फिर छाछठ होगी ऐसे से कम होती जाएगी एक ऐसा समय आएगा जब इसकी घात ज़ीरो हो जाएगी क्या हो जाएगी भैया इसकी घात ज़ीरो हो जाएगी और एक थी और क्या था वन था वन की पावर भी एक सौ इकहत्तर हो जाएगी क्या हो जाएगी वन की पावर एक सौ इकहत्तर हो जाएगी यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा वो का समझ में आ रहा है कि ये जो दिया है इसका मान एक हो जाएगा पूरे का क्या हो जाएगा इसका मान एक हो जाएगा एक क्यों हो जाएगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक क्यों हो जाएगा ध्यान दीजिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए तो फिर हम ऊपर बताते हैं आपको जल्दी करिए नोट कर लीजिए मैं मिटाऊंगा क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन मिटाऊंगा सलूशन नहीं हो गया ना जल्दी करिए देखिए इतना करने के बाद आप लिखेंगे इसमें से जो भी पद दिए गए हैं सभी बारह से पूर्वता विभाजित होंगे और शेषफल शून्य होगा आप करके देखेंगे अगर बारह का पावर एक सौ इकहत्तर ये एक सौ सत्तर और एक सौ उनहत्तर एक सौ अड़सठ जो भी है जो भी आएगा सब बारह से पूर्वता विभाजित होगा शेषफल क्या होगा शून्य आएगा मतलब ये सब पूरी तरह से ख़त्म इनका कोई मतलब नहीं होगा लेकिन लास्ट में अगर आप देखोगे यहाँ इसका पावर ज़ीरो है और ये वन है तो फाइनल में आपका अंतिम वाला पद बचेगा आप कह सकते हो फिर कितना बचेगा अंतिम शेष पद लिखो अंतिम शेष पद बराबर आप लिख सकते हो वन का पावर वन सेवनटी वन ठीक है ये वन सेवनटी वन लेकिन ये किसके बराबर है पहले ये बताओ अभी अभी हमने ये चीज़ तोड़ा था ना तेरह का पावर एक सौ इकहत्तर तोड़ के आगे ले चले थे ना आप नीचे लिख सकते हो इसको भाई ये आया कहाँ से ये कहाँ से आया इसी में से आया ना पूरे सूत्र से स्टार्टिंग में बारह धन एक का पावर एक सौ इकहत्तर था ना लास्ट में वो आ रहा है हम लिख सकते हैं कि तेरह का पावर एक सौ इकहत्तर इक्वल वन का पावर एक सौ इकहत्तर नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देखिए तीन बार देखिए समझ में आ जाएगा और फिर भी नहीं आता ना वैसे ये बहुत आसान नहीं शेषफल पर भी थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इसमें इतना हो जाने के बाद क्या करोगे आपको पता है इतना हो जाने के बाद आप आगे लिखो जल्दी से चलो इतना नोट करो एक सौ इकहत्तर धन पाँच का अंतिम दो पद लिखो जल्दी लिखो फट से क्या बोला मैंने जल्दी आप लोग लिखो इसको मैं मिटा के साइड में लिखता हूँ पूरा अच्छे से ठीक है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो चलिए आप जल्दी से इसको लिख लीजिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो इसलिए हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको सब समझ में आ जाए जल्दी से अब ध्यान दीजिए इतना तो आप समझ गए थे कि तेरह का पावर एक सौ इकहत्तर इक्वल वन का पावर एक सौ इकहत्तर बचा था अब जो ये मुख्य सवाल था मुख्य क्वेश्चन में यही था ना कह रहा था कि इसको बारह से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा इतना का अंतिम दो पद जो है क्या क्या बचेगा भैया एक तो वन का पावर एक सौ इकहत्तर बच रहा था दूसरा क्या था पाँच था यानी कुल मिला के हमारे ये कहने का मतलब है कि तेरह का पावर जो एक सौ इकहत्तर था वो बराबर हो गया था वन का पावर एक सौ इकहत्तर के भाई बराबर हो गया था ना जब हमने हल किया था तो लास्ट में क्या किया हमने जैसे तेरह का पावर एक सौ इकहत्तर धन पाँच है हमने कर दिया वन का पावर एक सौ इकहत्तर धन पाँच तो वन का पावर एक सौ इकहत्तर चाहे करो चाहे दो हज़ार करो मान तो एक ही आएगा इसका मान एक आ गया ये पाँच इक्वल हो गया छः यानी शेषफल पल छः बचेगा ये था शेषफल परमी वैसे हम इसमें से काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आया मुझे पता है कमेंट में देख पा रहा हूँ कोई बात नहीं शेषफल परमी का वीडियो हम अलग से आपको फिर से दे देंगे कोई टेंशन की बात नहीं है कोशिश करेंगे अगली क्लास में और बेहतर तरीके से आपको समझा देंगे लेकिन आप कोशिश जरूर करिए तो ये क्लास आप देख पाते हैं हर दिन चलती है हर रोज चलती है केवल संडे को नहीं चलती है बाकी हर दिन कहाँ चलती है पी स्टडी के चैनल नंबर दो पर वैसे आप इस क्लास को पी स्टडी इलाहाबाद चैनल पर भी देख पा रहे होंगे क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ वीडियो डेमो के रूप में आते हैं ये आपको पता है ना तो भैया करना क्या है आपको पी वी आर स्टडी टू पॉइंट जीरो चैनल को आज ही यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी नहीं दी होगी तो बाद में मिल जाएगी और आप पढ़ सकते हैं पी वी स्टडी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डेमो के रूप में कहीं भी देख पा रहे हैं तब हो सकता है आप इस क्लास को पी वी स्टडी ऐप में देख पा रहे होंगे अगर आपने कोर्स लिया होगा तो आपको उस सिस्टम से सारा वीडियो मिल रहा होगा तो ऐसी स्थिति में आपको डिस्क्रिप्शन और ये सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि जो भी कोर्स करवाया जाता है उसमें से अधिकांश वीडियो YouTube, Facebook या फिर फ्री प्लेटफॉर्म पर भी पब्लिश होते हैं लेकिन पूरा कभी नहीं होता है ठीक है अधिकांश होते हैं आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आप सभी इस वीडियो को खूब शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें अगर आप इसे ऐप में देख रहे हैं तो आप कुछ भी मत करिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए और नोट्स बनाइए और रिविजन करते रहिए जय हिंद